सर शुड आई रीड न्यूज़पेपर फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश? क्या मुझे अखबार पढ़ना चाहिए सर अगर मेरे को अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, अगर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ? तो मैं बोलना चाहूँगा बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं अखबार पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं जो अभी इंग्लिश सीख रहा है, तो आपको अखबार बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। वेल टेल मी वन थिंग, जब आप एक बेसिक लेवल पे होते हैं, जब आप एक बिगिनर होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी ना इंग्लिश सीख लूँ, मैं जल्दी से जल्दी ना वो सारी चीज़ें सीख लूँ जो मेरे सीनियर या फिर जो मेरे से अच्छे स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं। वेल यू वॉन्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और अखबार में या फिर उस टाइम पे आपको क्या जरूरत होती है? अब ये बताओ, अगर आपको अल्टीमेटली एकदम से स्पीकर बनना है, कोई नहीं बनता है, देर इज नो शॉर्टकट के भाई आप एकदम से स्पीकर बन जाओगे, बट यस स्टिल आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको जल्दी इंग्लिश सीखनी है, सो टेल मी वन थिंग, क्या आपको अखबार के अंदर वो सारी वोकैब, क्या आपको अखबार के अंदर वो सारे वर्ड मिल जाते हैं जो आपको एकदम से फ्लुएंट बना सकते हैं, या फिर जो आपकी डेली या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं? टेल मी वन मोर थिंग, क्या आपको वो सारी वोकैब, क्या आपको वो सारे सेंटेंसेस आपको अखबार के अंदर मिलते हैं जो आप अपनी हर रोज की जिंदगी में यूज करते हो? अखबार में क्या मिलता है? अखबार में मिलता है आपको मर्डर केस, कत्ल किसका हो गया, किसके साथ क्या हो गया, सरकार के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, सर्दी के कारण, धुंध के कारण एक्सीडेंट हो गया, गर्मी के कारण एक्सीडेंट होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके कारण ये हो गया, ये ऐसी ऐसी चीजें अगर आप सीख रहे हो अखबार से, सो व्हाट आर यू लर्निंग एंड व्हाई आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर? एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न दीज काइंड ऑफ थिंग्स देन यू मस्ट गो फॉर दिस, बट यस इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, Never ever read newspaper. आप क्या पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं बेसिक स्टोरीज बुक। अब बेसिक स्टोरीज बुक्स आप किसी भी बुक स्टोर पर जाके, किसी स्टेशनरी शॉप पर जाके आप ले सकते हैं। 30-40 रुपए की एक बुक आती है जिसमें स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज से देखो फायदा क्या होगा, स्टोरीज से ना जब दो लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनते हो, फॉर एग्जाम्पल एक बार एक राजा होता है और उसका मंत्री होता है, जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो ना जब उस बातचीत को आप सुनोगे ना तो आप फील कर पाओगे कि हाँ यार मैं कहीं ना कहीं ये चीजें मैं सीख रहा हूँ। तो आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको ये स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं।